बिस्मिल्लाह अलैकुम अरे इन माय लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हर मुश्किल से अल्लाह ताला आप लोगों को निकाले और हमेशा आसानियाँ रखा दे ज़िंदगी में। आज मेरी सिस्टर का लास्ट डे था यानी थर्ड डे और आज उन्होंने जाना था वापस, उनके हस्बैंड ने आना था। तो मेरी सिस्टर का दिल चाह रहा था कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा बना दें, तो मैंने यहाँ पे जो है ना फ्रूट ट्राइफल बनाया और उसको बहुत पसंद है मेरी बहन को और मेरी बहनों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं मीठा और खाने में बिरयानी बनाएंगे और बिरयानी भी जो है ना वो सबको ही पसंद है। बिरयानी तो ऐसी चीज़ है जो घर में सबको पसंद होती है। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना ये सब काम करना शुरू, और कस्टर्ड मैंने दोपहर में बना लिया था ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना चिल हो जाए, ठंडा हो जाए। और आज मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं था इसलिए कि सिर्फ कस्टर्ड बनाना था और शाम में चिकन बिरयानी बनानी थी, तो ज़्यादा काम नहीं होता फिर। तो हम लोगों ने बैठ के खूब गप्पे शप्पे लगाई हैं और मेरी सिस्टर्स ने कुछ कपड़े वगैरह तो ख़रीदे थे तो हमने उसके डिज़ाइन भी जो है ना वो सर्च किए और फिर उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी करी। तो ये सब काम हमने बहुत ज़्यादा किया और ये देखें जी मज़ेदार सा कस्टर्ड बन रहा है। और सिस्टर के जाते ही जो है ना घर में थोड़ा सन्नाटा सा हो गया था और उसका बेबी जो है ना वो हमें 2-3 दिन तक जो है वो याद आता रहता है। जब भी वो जाते हैं ना रह के तो फिर वो 2-3 दिन तक हमें जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा याद सताती है। तो बहरहाल ये देखें जी यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड और वनीला कस्टर्ड बनाए थे मैंने और कॉकटेल फ्रूट का जो टिन था वो मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने वही इसमें ऐड कर दिया। तो वो इसमें बहुत मज़े का लगता है तो मैंने कहा चलो फिर मैं वही ऐड कर देती हूँ। तो बस वो मैंने इसमें ऐड किया था और ये देखें जी मज़ेदार सा कस्टर्ड बहुत मज़े का बना था। और थोड़ा सा कस्टर्ड जो है ना वो मैं अपने बहनों के लिए भी निकाल दूँगी इसलिए उनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा फिर वो कल दोपहर में भी खा लेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे जो है ना 15 मिनट का काम तकरीबन कोई 1 घंटे 1.5 घंटे के बराबर लग गया था, इसलिए कि मेरा भांजा जो है ना जब भी मैं कुकिंग करती हूँ वो मेरे इस काउंटर पर चढ़ के बैठ जाता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया ना तो वो आराम से चढ़ के खुद ही बैठ जाता है और फिर मुझसे मुसलसल माशाल्लाह से वो बातें करता रहता है, हंसी मजाक करता रहता है और मुझे इतना हंसाता है वो और मुझसे इतने सवाल पूछता है, इतने सवाल पूछता है। और ये एक बहुत अच्छी आदत होती है बच्चों का सवाल पूछना जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि इनके मासूमाना सवाल जो है ना वो इतने इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि बाज़ दफ़ा हम लोग खुद सोच रहे थे कि इसमें क्या जवाब इनको दिया जाए। और जो मैंने जैलीज़ वगैरह सब यहाँ जमाई हुई थी तो मुसलसल जो है ना वो मुझे भी थोड़ी सी खिला दें, मुझे भी दे दें और ये कैसे करिए आपने, इतना क्यों डाला है, तो वो मुसलसल जो है ना इन चीज़ों में घुसा हुआ था। तो मेरा काम जो है थोड़ा सा बढ़ गया था लेकिन थोड़ी टाइम लगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अपनी बेटी के साथ भी इस तरह से अगर वो मेरे किसी काम में इन्वॉल्व होती थी तो मैं उसका जो है ना इसी तरीके से जो है ना एंजॉय करती थी। तो मुझे वही वक्त याद आ रहा था और मेरा भांजा जो है ना माशाल्लाह से मुसलसल जो है ना यहाँ पे लगा हुआ था और हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब हंस रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक केक भी जो था ना वो उसमें नीचे लेयर में लगा दिया था। और ये मैंने डिश में जो है ना जेली 2 तरह की बनाई थी ना, रेड और ग्रीन, वो भी इसमें ऐड कर दी और कॉकटेल फ्रूट ऐड करके, और ये मैंने जो है ना इसमें कस्टर्ड डाल दिया। और ये छोटा जो बॉक्स है ना ये मेरे बहनोई के लिए है तो उनको ये जाएगा। और जो भी कोई मीठा खीर उसको बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो जब भी खीर वगैरह या कुछ बनता है तो वो भी जो है ना उनके लिए लाजमी अलग से रखा जाता है और वो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना हंसी मजाक चल रहा था और मेरे भांजे की मुसलसल माशाल्लाह से बातें चल रही थी और हम लोगों का हंस हंस के बुरा हशर हो रहा था। तो बस ये सब हो गया, इसके बाद जो है मैंने बिरयानी चढ़ानी शुरू कर दी थी ताकि टाइम पे खाना बन जाए, इसलिए कि उसने जल्दी से वापस चले जाना था। उन्होंने कहा था हमेशा से पहले ही जो है ना फिर चले जाएंगे खाना खा के, तो घर जाना है। बारिशों का आपको पता है कैसा चल रहा है आजकल, किस टाइम पे बारिश हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। तो बस ये रेडी हो गया था, अब इसको फ्रिज में रखेंगे और बिरयानी की तैयारी करूँगी और बिरयानी अब रेडी करेंगे। तो बस ये इस तरह से हमारे दिन जो है ना मज़ेदार से गुजरते चले गए गुजर गए। और मैंने शॉवर भी ले लिया, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे और अब बिरयानी स्टार्ट करेंगे। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है ना वो फिर भी जो है बरकरार है, थोड़ी बहुत गर्मी तो अभी भी है और इतनी तो खैर गर्मी रहेगी अभी, आई थिंक अगस्त स्टार्ट हो जाएगा बस अब। तो ये देखें जी यहाँ पे बन रही है बिरयानी और घर एकदम से ना खाली खाली सा हो गया था जब मेरी बहन गई, और बर्तन वगैरह मैंने जब ही वॉश कर लिए थे जब वो थी, खाना वगैरह खा के सब करके तो जल्दी से बर्तन वॉश कर लिए थे। तो बस ये सारी जो है ना दिन इसी तरह से गुजर गए और गुजरते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को जो है वो हल करे। और आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में किस किस को चिकन बिरयानी पसंद है, और जो भी कमेंट्स करेगा वो यस ही लिखेगा, इसलिए कि ज़्यादातर सबको जो है ना वो बिरयानी
बहुत पसंद होती है। और मुझे बस एक ही बच्ची याद है, मेरी बेटी की फ्रेंड है, और उसको बिरयानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिस दिन घर में उसके बिरयानी बनती है तो वो कुछ और अपने लिए पकाती है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, और सब लोग उसको देख के ना बड़ी हैरत करते हैं कि उसको बिरयानी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी उसको बिरयानी पसंद नहीं है। और हम लोग तो जैसे रात की बिरयानी सुबह भी खा लेते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर जो है ना, वो बिरयानी रात की अगर बिरयानी है तो वो सुबह में नहीं खाती हैं, उसको नहीं पसंद। तो बस इस तरह से अपनी अपनी आदतें होती हैं और अपने अपने मिजाज होते हैं इंसान के। तो बस ये देखें जी, खाना जो है ना चढ़ रहा है। और आप लोग भी बताएं कि आप लोग के दिन किस तरह से गुजर रहे हैं कमेंट्स में, और बारिश को आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने इस दफ़ा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं एक दफ़ा भी बारिश में जो है ना नहाने नहीं गई, वरना हर साल जो है ना मैं ज़रूर नहाती हूँ। एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रही। आप लोग ने अगर मेरे बकरा ईद से पहले के व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि बारिश में जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं नहाई, और उन्हीं दिनों में जो है ना बारिश बहुत तेज़ और बड़ी अच्छी बारिशें हो रही थी, तो इस वजह से भी मैंने मुनासिब भी नहीं समझा अपनी तबीयत की वजह से, और मेरा दिल भी नहीं था वरना ज़िंदगी की कोई बारिश भी ऐसी नहीं होती थी जो मैं बचपन से मेरी आदत थी। और मेरे घर में कोई भी इतना शौकीन नहीं था बारिश में नहाने का, ना मेरी दोनों सिस्टर्स इतनी ज़्यादा शौकीन थी और ना मेरे भाई को इतना शौक था, लेकिन मैं एक ऐसी थी जैसी बारिश होती थी ना तो बस मैं जो है अपनी छत पे चली जाती थी, और मैं फिर नीचे जो है ना जब भी आती थी जब बारिश रुक जाती थी, और मेरी अम्मी को पता होता था कि अब इसने नहीं आना, चाहे रात में बारिश हो या दिन में बारिश हो। तो एक एज का फैक्टर भी होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो है ना एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, और उम्र के साथ साथ जो है ना वो एनर्जी भी थोड़ी कम होने लगती है, थोड़े शौक भी कम होने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे शौक जो है ना वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ज़िंदगी से जाने नहीं चाहिए। शौक़ तो इंसान के अपने होते हैं और इसी से इन्जॉयमेंट होती है, तो शौक़ जो है ना ज़िंदगी के ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे बहुत सारे शौक़ जो है ना वो बहुत बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगे। तो मुझे अपने आप को जो है ना वापस उतनी शौक्स में, शौक़ जो मेरे थे, जो भी मेरी हॉबीज़ थी, मुझे वापस लेकर, जैसे मुझे कपड़े सीने का जो है ना स्टिचिंग का बहुत शौक़ था, और मैंने इतनी स्टिचिंग की है। मैं अपनी बेटी जब छोटी थी ना तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उसको मैं फ्रॉक जो है ना वो बाज़ार से पहनाती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं पहनाती थी, लेकिन बहुत अच्छी मैं स्टिचिंग करती थी और बहुत, तो कई साल हो गए। और मैं अपने कपड़े भी जो है ना बहुत अच्छे से स्टिच करती थी, अपनी सिस्टर्स के मैंने कपड़े स्टिच करके कनाडा भेजती थी, लेकिन अब जो है ना ये सब शौक़ मैंने बहुत साल हो गए, तकरीबन 3 साल हो गए, और मैंने जो है ना स्टिचिंग बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल भी नहीं की अभी मैंने 3 साल से। और मैं अपने कपड़े भी जो है ना ख़ुद स्टिच करती थी, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस के लेसिस लगा के सब करके, तो तकरीबन 3-3.5 साल तो हो गए कि मैंने बिल्कुल स्टिचिंग जो है ना वो छोड़ दी है। और बस ये शौक़ जो है ना मेरे थोड़े थोड़े से ख़त्म हो रहे हैं, और तैयार होने का शौक़ बेइंतहा मुझे तैयार होने का शौक़ था, और मैं बहुत ज़्यादा तैयार होती थी, और कुछ भी नहीं तो मैं घर में ही तैयार होकर बैठ जाती थी, लेकिन जो है ना काफ़ी अर्से से ये शौक़ जो है ना वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, और मुझे मेरा दिल नहीं चाहता। तो इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं अपने आप को वापस लेकर आऊँगी और ज़रूर ये सब शौक़ जो है ना अपने दोबारा से करूँगी, ताकि इन सब चीज़ों से ना इंसान अपने आप को इन्हेंस करता है, इन सब चीज़ों से इंसान जो है ना अपनी अपने आप को जो है ना वो ग्रो करता है। तो बस ये चीज़ें जो है ना अगर ज़िंदगी से चली जाती हैं ना तो वाकई में आप जो है ना बहुत पीछे चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आनी चाहिए। और होता है बाज़ दफ़ा ज़िंदगी का ऐसा क्रम आता है कि हम लोग जो है ना कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो देखें जी, दम हो गई हमारी मज़ेदार बिरयानी, और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सादी सी बनाई थी। खाना खा के ये देखें जी, खाना खाने के बाद मैंने यहाँ मीठा भी सर्व कर दिया था, और मीठा बहुत मज़े का बना था, सबको खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस ये कि थोड़ी जल्दी जल्दी सी थी इसलिए कि उन बारिश की वजह से उन्हें जल्दी घर जाना था, और रास्ते में फिर पानी वगैरह आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और गाड़ी बंद होने का भी डर होता है, फिर रास्ते में बच्चा भी साथ हो, तो इसलिए तो हम लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि जब घर से निकलो तो फिर जल्दी चले जाओ। और पापा को जो है ना इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि बहुत लेट नाइट जो है ना वो सड़कों पर नहीं घूमो और जल्दी से घर चले जाओ। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना जो है ना सर्व किया, और यहाँ पे कस्टर्ड वगैरह सर्व हो गया था, खाना हो गया, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके, और फिर हम लोग जो है ना थोड़े गप्पे शप्पे लगाए। मैंने अपनी बेटी के साथ बांझू को बहुत याद कर रहे थे, उसकी बातें सब याद की। तो बस ये दिन जो है ना हमारा इसी तरह से गुजर गया और बहुत मज़ा आया। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत